नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार की सियासत में लगातार भूचाल आता दिख रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार के जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के एमएलसी हैं और उन्होंने पटना के थाने में इस बात का मामला भी दर्ज करवा दिया है। इस बात की जानकारी पटना पुलिस को दे दी है और उनके मुताबिक उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने के दौरान उनको कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस के साथ उठना बैठना बंद कर दे। इस बात की जानकारी उन्होंने पटना पुलिस को भी दे दी और इस वक्त हम खड़े हैं उन्हीं के आवास पर। ये पटना का वीरचंद पटेल पथ है जहां पर गुलाम रसूल बलियावी का आवास है और इस पूरे मामले की अब जो जाँच है वो पटना पुलिस करने में लग गई है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस, तो आगे अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है। सर, इस वक्त की जो खबर आ रही है कि बिहार में जो है जेडीयू एमएलसी जो है गुलाम रसूल बलियावी को धमकी दी जा रही है अंडरवर्ल्ड से, इस बात की जानकारी उन्होंने पटना पुलिस को दे दी है और इसकी पूरी छानबीन में जुट गई है पुलिस, लेकिन इस पर आप कुछ क्या कुछ कहेंगे? जांच का विषय है ना, अब आम लोगों की तो छोड़िए, जो सत्ता में माननीय विधायक हैं उनको भी धमकी मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी ने 2 दिन पूर्व ही सवाल खड़े किए थे लॉ एंड ऑर्डर पर, बिहार के कानून व्यवस्था पर। अब सत्ताधारी दल के लोग जो सत्ता में हैं वही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वही कह रहे हैं बिहार में कानून का राज नहीं है, चौपट है कानून व्यवस्था। बड़ी खबर हो गई ना कि अंडरवर्ल्ड से धमकी दी जा रही है। अब अंडरवर्ल्ड से धमकी दी जा रही है, इसका जांच कौन करेगा? शासन प्रशासन के लोग ना करेंगे? ये बताना होगा ना कि आखिर कैसे इनको धमकी मिल रहा है, क्या जाँच की है, प्रशासन क्या कर रही है। अब लोगों को, आम लोगों को छोड़ दीजिए, खास लोगों को, विधायक को, सत्ता में बैठे हुए विधायकों को धमकी मिल रहा है। ये अब सुशासन जो लोग कर रहे हैं वो जवाब दें। जेडीयू के एमएलसी जो हैं गुलाम रसूल बलियावी सर, उनको उनके कहने का ये मतलब सामने आ रहा है, उनकी बात आ रही है, खबर भी सामने आ गई है कि उनको अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ उठना बैठना बंद कर दें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में जो भी इस तरह के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं उनकी कोई जगह नहीं है, और कोई किसी को भयभीत करके अपनी बात मनवा ले ये बिहार में संभव नहीं है। 15 वर्षों के पिछले शासनकाल में कानून का शासन स्थापित हुआ है और ऐसे जब भी कभी मामले सामने आए हैं तो उसकी जांच हुई है और उनकी शिनाख्त भी हो जाएगी जिन्होंने ऐसी धमकियां दी हैं, और निस्संदेह उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो जदयू के प्रवक्ता का कहना है, उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर जदयू के एमएलसी को इस तरह की बात कही गई है, धमकी दी गई है अंडरवर्ल्ड की तरफ से, तो इसकी शिनाख्त होगी और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।